अगर पुलिया है तो देखकर घुसो और मैं टेढ़ी पुलिया पर चढ़कर बैठूंगा। अगर गंगा आती है तो हम तुम्हें आवाज लगा देंगे, तुम बाहर निकला। नजर मारे कि मेरा दिल उससे आ गया था। नजर मारे छेल वो तो नजर मारे छेला, नजर मारे छेल वो तो नजर मारे छेला, नजर मारे छेल मोरी देखी तो जवानी, नजर मारे छेल मोरी देखी तो जवानी। रंजीत ये तुम्हारी बदतमीजी अच्छी नहीं लगती। बदतमीजी में हमने किया कहा है, बदतमीजी की शुरुआत तो अब करने चल रहा हूँ। बाहर आ जा, गंगा आ चुकी है, पुलिया उचार के मत लाओ, नहीं तो किसी अधिकारी ने देख लिया तो उतने जूते तुम्हारे सर पर पड़ेंगे, साले बाल एक नहीं रहेंगे। रंजीत बात क्या है? चलो सारे तुम ही बताओ, हम पीछे जाए। एक काम करो, तुम रास्ते में खड़े हो जाओ और कोई इंसान बाहर का आता है तो यहाँ तक आने ना पाए और गंगा यहाँ से भाग कर जाने ना पाए। दो चार बातें करने के बाद हम यहाँ से चलेंगे। गंगा जो भी बात करना सोच समझ के करना, सोच समझ कर मैंने फैसला लिया है गंगा। हाँ नहीं कसम भगवान की, ऐसे जगह लात मारूंगी दोबारा मर्द बन के पैदा नहीं हो। गंगा अब सुनो हमारी बात को, किस टेढ़ी पुलिया पर मैं बैठकर तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहा हूँ? बोलो। और मेरे कहने का मकसद क्या है? बोलो। इतना भोली भी बन बनो मेरी जान, इशारों को हमारे समझो। टाइम बहुत कम है, तुम जो भी बोलना है बोलो, नहीं और तेरे मेरे और तेरे जिस्म से खे ना चाहता हूँ। अदा तेरी अलहड़ बदन संग मरमरी, अदा तेरी अलहड़ बदन संग मरमरी, क्या अदा तेरी अलहड़ और बदन संग मरमरी, और तुम्हें प्यार में था चाहता हूँ। अब सुना तुमने हमारी बातों को, उल्टे सीधे काम करते हो तुम, उल्टे सीधे काम करोगे ना तो दोबारा तुम समझ लो। नहीं ऐसे नगमे मुझे तुम सुना,
यहाँ से अभी बहुत कराटे चलाती है। कराटे चलाना हमको भी आता है, लेकिन हम लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना चाहते। लड़कियों के सिर्फ इज्जत लूटना चाहते हो। ऊंची काश अगर तुम लड़की होते तो क्या करती। ऊंची आवाज में अगर बोलोगे बात पलटो मत। अगर काश तुम लड़की होती है, सही है ना? अरे सही है ना? अगर तुम लड़की हो तो क्या 100 रुपया टिकट लगाते हैं? होते तो हम खुद ही प्यार करते। जवाब दो, अगर जवाब देना चाहते हैं। गंगा ऊंची आवाज में बोला तो तुम्हारा वो हाल करूंगा क्या कि ऊपर से पीला तो नीचे से लाल करूंगा। मेरी चौन लाल और पीले रंग की मुझे परवाह नहीं। परवाह तो तू कर ओ दीवानी। अरे भगवान ओ मस्तानी। ऐ टम्बम है तोहरी जवानी, बाली बा तेरी उमरिया है, ढूंढ ले कोई समरिया। यहाँ चली आओ, लेकिन वहां भी आ सकता हूँ हराम दादी। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, ऐसा करती हुई गंदी बात होती है। ये आ गई राज की मम्मी। राज की मम्मी की ओर से 51 रुपया का पुरस्कार लग रहा है इसी लाइन पे जो हमारे मास्टर। हेलो ए मुझे राज की मम्मी समझ लिया कि राज की मम्मी नहीं, तुम राज की मौसी हो। उनका इशारा समझो, कह रहे हैं कि मान जाओ। नहीं मानो। ओ दीवानी ओ मस्तानी, टम्बम है तोहरी जवानी, बाली है तेरी उमरिया है, ढूंढ ले तेरी सवरिया। जब तर अमीना तोहरी जवानी, दिन की मलिका की रानी। जब तर अमीना देखो पैसे पे पैसे आ रहे हैं मेरी जान। जब तर अमीना तोरी जवानी, दिल की मलिका रात की रानी। आजा गले से तुझको लगा लूं, चेहरे से अपने जुल्फे हटा लूं, लखनऊ की तू है छोकरिया है, ढूंढ ले कोई अगर सीधे तरीके से तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो नहीं करना चाहिए। छम्मक छल्लो खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। अब बोल, मेरी मोहब्बत से इनकार है या इकरार है? और सीधे साथ ही कर नहीं करोगी मुझसे। सीधे साधे कर नहीं करोगी मुझसे प्यार, और जबरन तेरे साथ में लूटू मौजी पहाड़। जब तुम नहीं
मानते तो मैं भी नहीं मानूंगी। चला जा ओ बाजी बदकूल, अब होगा, अब चाहे 10 बच्चे आए। चला जा ओ बाजी बदकूल, तू है बड़ा नाम कूल, तुझे अपने साथ में ले लेने के बाद ही करूंगा। ऐसी वैसी समझ के मुझको ना करना ऐसी बात, और आए तेरे पहलू में ना होगा ऐसा काम। मान ले मेरा कहना तू, मान ले मेरा कहना तू, ओ बाजी बदकूल। तो हमें तुम प्रवचन सुना रही हो? प्रवचन नहीं है, आओ तुम आप चाहे जो बच्चे हैं। तो आज तुम्हारे साथ रंजीत सिंह वही करेगा जो तुम कभी नहीं, नहीं किया है। तेरी जरूरत क्या है कि तू मुझे टच करे? हराम शादी, हराम शादी, तू मुझे बकवास सुनाने आई है। देख रंजीत सिंह तेरे साथ में आज जबरदस्ती सराफत इंसानियत है, सराफत इंसानियत, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। गली गली के टुकड़ों पर पलने वाले गंदी नाली के कीड़े, तुम्हारी ये औकात कि आज तुम रंजीत सिंह के सामने भौंक रहे हो। रंजीत जुबान को लगा दो, मैं काट करके फेंक दूंगा। औकात में बोल, तू किसके सामने खड़ा है और किससे बातें कर रहा है? मैं जानता हूँ, अरे मैं जानता हूँ किसके सामने बातें कर रहा हूँ, एक कुत्ते के सामने बात कर रहा हूँ। अच्छा हुआ कि आज तो हमारे हाथ लग गया साले। किसी ने कहावत में कहा है कि चिड़िया फुदक के बाज के पंजे में आ गई, चिड़िया फुदक के बाज के पंजे में आ गई, हस्ती तेरी एजल थी सिकंजे में आ गई। खेल शुरू होगा अब कितनी देर में, फैसला तो टूक होगा हिरन और शेर में। मिटा मुझको सके, अबे मिटा मुझको सके, जमाने इतना दम नहीं, और जमाना हमसे है, जमाने नहीं। ना तलवारों की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से।
से निकले जो पानी उसे नलकूप कहते हैं, अरे पाताल से निकले पानी जो उसे नलकूप कहते हैं, और जो समझाने से न समझे तुम जैसा पक्का बेवकूफ कहते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तैयार हो जा, देर किस बात की, तैयार रंजीत भैया तुम लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे क्योंकि तुमने अपनी माँ की कसम खाया है। राम छेद, अगर मैं आज अपनी माँ की कसम ना खाया होता तो तेरे जिस्म के 100 टुकड़े करके कुत्तों के सामने डाल देता। चादे यही तो अच्छा हुआ, अरे यही तो अच्छा हुआ जो अपनी माँ की कसम खा करके आया, और नहीं तेरे जिंदगी का साले आज आखिरी दिन होता। रंजीत सिंह से टकराने का अंजाम सोच ले या कसवा क्या होगा रे? अंजाम की परवाह सौदा और बुद्धिल खैर करते हम जैसे नौजवान नहीं करते हैं। बहुत शबर शबर बोल रहा है, ठीक है आज तो मैं जा रहा हूं लेकिन अंजाम बहुत बुरा होगा। आकाश एक लौंडिया के चक्कर में आकर तुमने ठाकुर रंजीत सिंह से दुश्मनी मोल लिया है, और तुम क्या कर रहे हो? और रंजीत सिंह से दुश्मनी मोल लेने का अंजाम क्या होगा वक्त बताएगा। पर खुरदार आज तो मैं जा रहा हूँ लेकिन एक दिन इस मस्तक को अपने पैरों पे रखवा के अगर माफी ना मंगवाया तो समझ लो बलवंत सिंह के खानदान में मैं पैदा नहीं। जाइए जाइए आतंकवादी, अरे जाइए मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। अरे साले यही तो अच्छा हुआ साले, अपने आप को दादा लगाता है। अरे दादा हूं तो दादा लगाता हूं, तुझको साले मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है। जबान को साले लगा दे नहीं फाड़ करके रख दूंगा। तुझको मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है। कहां तक है तेरी पहुंच? हमारी पहुंच बगिया तक है। चुप साले बदतमीज, तुझको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तेरी ताकत, अरे एक ठूसे में पापड़ को तोड़ दूं। वाह, एक ठूसे में पापड़ को तोड़ दूं और जिस रास्ते में कुत्ता भूखे वो रास्ता छोड़ दूं। अरे वाह, हम तुम्हारे जैसे बहादुर की कद्र करते हैं और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, बस इसी में भलाई है। अरे लौंडिया साउंडिया, जो बात करना मुझसे करो। समझा लो इनका, समझा लो ना, पेल पाल कर राम पाल बनाओ वाले। ठहरो ठहरो, आकाश जी इनसे लड़ाई झगड़ा मत करो, ये लंबरदार के आदमी है, पावरदार आदमी है, हैं? अब ये इधर आओ, इधर आओ, मैं बताती हूँ, इधर आओ, आका इधर आओ,
इधर आओ, तुम भी एकदम बुद्धू के बुद्धू क्या? जैसे कि अरे ये समझो, जब कुकुर भौंका था, बहन कहीं नहीं, जब कुकुर भौंका तो भाग जा, तो समझो कितने पहलवान है। ए लौंडिया साउंडिया जी लंबरदार, आज तो जा रहा हो, जाओ ना, और फिर कभी हमको टाइम में टाइम मिलना नहीं। हे 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 अगर हमको तू टाइम बे टाइम मिल गई तो हम उठा के पटक दूंगा और जबरदस्ती तेरा रेप कर दूंगा। ठहरो, हेलो एक्सक्यूज मी प्लीज कम टू मी, इधर आओ। दोबारा मैं आऊंगी तो मेरे साथ में तुम बलात्कार करोगे? हम बलात्कार नहीं करते, हम रेप करते हैं। यानी कि तो मेरे साथ में रेप करोगे और मैं दोबारा तुमसे मिलने आऊंगी तो? या तुम मुझसे मिलने आओगे हाँ। तो मेरे साथ में जबरदस्ती रेप करने की कोशिश करोगे तो मैं दोबारा आऊंगी तो बिलेट लेके आऊंगी। बिलेट क्या करोगी? जैसे ही तुम मेरे साथ में रेप करने की कोशिश करोगे तो मैं बिलेट निकालूंगी, मारूंगी। अरे ये हमारी जिंदगी झंड करना चाहती है, अब मैं नहीं आऊंगा। आकाश भाई और राम राम चलते हैं भैया। इच्छा हो तो चले आना। ओ नहीं आएगा, समझे मेरे, तुम ये बताओ, तुम जानती हो कि जमाना इतना एडवांस में चल रहा है और इस उम्र में तुम्हें तनहा चलना तुम्हें शर्मानी चाहिए। सही बात है, मैं तनहा नहीं चलती हूँ, मैं सहेलियों के साथ चलती थी, लेकिन आज सहेलियां चली गई और रंजीत नियति के अंदर लड़का है। जब देखो जब किसी ने किसी को सताया करता है, आज मेरे साथ हरकत की। चलो ठीक है, जाओ तुम अपने घर के लिए जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा रास्ता देखते होंगे कि अभी तक हमारी बेटी नहीं आई है। वैसे ये बताओ, मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है, तुम अकेले हो? हाँ वैसे मैं, हमारे परिवार में कोई नहीं है, बचपन में मेरी माँ जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई और पिता तो उसके पहले समाप्त मैं जानता ही नहीं, तब से मैं अकेला हूँ, अपनी कमाई करता हूँ और साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ। और अगर आज के बाद में तुम मेरे भाई बनकर मेरी हवेली में रहो, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा जो भी होगा हमारे पापा उठाएंगे, मुझे एक भाई मिल जाएगा और तुम्हें एक परिवार मिल जाएगा, अगर ये बात मंजूर हो तो बोलो। मैं आपकी बात को समझता हूँ, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि तुम तो इस बात को कहती हो और हो सकता है कि तुम्हारे पिताजी इस बात को ना स्वीकार करें तो फिर क्या होगा? मैं जो यहाँ जो 1500 की नौकरी कर रहा हूँ, इधर भी इससे भी जाऊंगा और उधर घर में नहीं रहने पाऊंगा तुम्हारे। ऐसा नहीं हो सकता, जो मैं कहती हूँ मेरे पापा वही करते हैं। तो चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें अपने धर्म की बहन स्वीकार करता हूँ और तेरे दुख और सुख में ये तेरा भाई अपनी जान